आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग करने से पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज होने वाली कुछ टर्म्स और कुछ डेफिनेशंस को सीख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अ कंपाउंड विच कंटेन सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल आयन विच इज सराउंडेड बाय लोन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीशीज इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके सेंटर में ट्रांजिशन मेटल आयन मौजूद हो और वो ट्रांजिशन मेटल आयन लिगेंड्स यानी के लोन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीशीज से सराउंडेड हो। अब हम ये सीख लेते हैं कि लिगेंड्स क्या होते हैं। द न्यूट्रल और आयनिक स्पीशीज दैट कैन डोनेट लोन इलेक्ट्रॉन पेयर टू ट्रांजिशन मेटल आयन इज कॉल्ड लिगेंड और लुईस बेस। ऐसी स्पीशीज, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे सब्सटेंसेस लोन इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स ट्रांजिशन मेटल्स को डोनेट कर सकें, लिगेंड्स या फिर लुईस बेस कहलाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स टू द ट्रांजिशन मेटल आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर और लिगेंसी। ट्रांजिशन मेटल आयन और लिगेंड्स के दरमियान में जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स प्रोड्यूस होंगे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर लिगेंसी कहलाएंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, द पोर्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड व्हिच इज इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स कंटेन्स ट्रांजिशन मेटल एंड लिगेंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा पोर्शन जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज्ड हो और उस स्क्वायर ब्रैकेट में ट्रांजिशन मेटल और लिगेंड्स मौजूद हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट वाले पोर्शन को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है और इस स्क्वायर ब्रैकेट में ट्रांजिशन मेटल और लिगेंड्स मौजूद होते हैं। जैसा कि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोबाल्ट ट्रांजिशन मेटल मौजूद है और लिगेंड के तौर पे NO2 यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स यहाँ पे 6 है। एक NO2 इस कोबाल्ट के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का 6 हो गया। इसी तरह से इस स्क्वायर ब्रैकेट से पहले एक आयन हमें नजर आ रहा है, रेडिकल हमें नजर आ रहा है जो कि पॉजिटिव रेडिकल है। कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग करते हुए सेंट्रल आयन यानी कि ट्रांजिशन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखनी होती है। इस कंपाउंड में ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाली है। ये ऑक्सीडेशन नंबर या ये ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल की किस तरह से निकाली गई है? सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अपने कंपाउंड में 1 और यहाँ पे सोडियम कितने हैं? 3, तो 1/3। अगले सब्सटेंस पे जा रहे हैं तो प्लस लगाएंगे। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड करनी है, CO को इसी तरह से लिख दिया। अगले सब्सटेंस पे जा रहे हैं तो प्लस लगाएंगे। NO2 की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है और टोटल नंबर ऑफ NO2 6 है, तो -1 × 6। इस पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल के बाद हमने 0 लिख दिया। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रही है। ये वो टर्म्स हैं जो कि किसी एक कॉम्प्लेक्स को कम्प्लीटली डिफाइन करती है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 4 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किए गए। सबसे पहले न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, अ कॉम्प्लेक्स विदाउट हैविंग एनी रेडिकल। ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या ऐसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो कि सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट पे मुश्तमिल हो, स्क्वायर ब्रैकेट से पहले या स्क्वायर ब्रैकेट के बाद, जिसमें कोई रेडिकल नहीं पाया जाता। इसी तरह से पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस, अ कॉम्प्लेक्स हैविंग नेगेटिव रेडिकल। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होंगे जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट वाला पोर्शन किसी आयन से पहले मौजूद होगा। ये जो सल्फेट यहाँ पे हमें नजर आ रहा है ये नेगेटिव रेडिकल के तौर पे यहाँ पे मौजूद है। नेक्स्ट है नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, अ कॉम्प्लेक्स हैविंग पॉजिटिव रेडिकल। ऐसा कॉम्प्लेक्स या ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट वाला पोर्शन किसी आयन के बाद मौजूद हो, कॉम्प्लेक्स आयन्स, कॉम्प्लेक्सेस हैविंग चार्ज। कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज मौजूद हो, वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स को दो तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, बेस्ड ऑन डोनर एटम्स, बेस्ड ऑन चार्जेस। डोनर एटम्स की बेस पे अगर हम क्लासिफाई करेंगे लिगेंड्स को, मोनोडेंटेट लिगेंड्स, पॉलीडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड्स की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसे लिगेंड्स जिसमें
सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम मौजूद हो, मोनोडेंटेट लिगेंड्स कहलाते हैं। दोज लिगेंड्स हैविंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम और कोऑर्डिनेटिंग एटम। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें एक से ज्यादा लोन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम्स मौजूद हो, तो ऐसे सब्सटेंसेस पॉलीडेंटेट लिगेंड्स कहलाते हैं। दोज लिगेंड्स हैविंग टू और मोर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम्स और कोऑर्डिनेटिंग एटम्स। चार्जेस की बेस पे अगर हम लिगेंड्स को क्लासिफाई करें तो जनरली दो तरह से हम लिगेंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, एन आयनिक लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स। एन आयनिक लिगेंड्स की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसे सब्सटेंसेस जो के लोन इलेक्ट्रॉन पेयर भी डोनेट कर सकते हो और उन पे नेगेटिव चार्ज भी मौजूद हो, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीशीज। न्यूट्रल लिगेंड्स की डेफिनेशन क्या है? ऐसे लिगेंड्स जो के लोन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हो मगर ओवरऑल उन पे कोई चार्ज नहीं हो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीशीज। लिस्ट ऑफ लिगेंड्स, ये उन सब्सटेंसेस की लिस्ट है जो के एज अ लिगेंड के तौर पे बिहेव कर सकते हैं, और ये सब्सटेंसेस लिगेंड्स के अलावा भी डिफरेंट कंपाउंड में मौजूद होते हैं। अब कोई सब्सटेंस एज अ लिगेंड के तौर पे बिहेव करे तो उसकी पहचान किस तरह से करी जाती है? इन सब्सटेंसेस में से कोई सब्सटेंस अगर ट्रांजिशन मेटल को अपने लोन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे तो हम इस कंडीशन में इन सब्सटेंसेस को एज अ लिगेंड कंसीडर करेंगे। अगर यही सब्सटेंसेस ट्रांजिशन मेटल को अपने लोन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर रहे बल्कि अपने किसी और कंपाउंड में मौजूद है, जैसे कि Cl अपने कंपाउंड में सोडियम क्लोराइड में मौजूद है, तो ये Cl ऐसी कंडीशन में एज अ लिगेंड कंसिडर नहीं होगा। अगर यही Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मौजूद हो, ट्रांजिशन मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, तो ये Cl एज अ लिगेंड कंसिडर करा जाएगा। इन सब्सटेंसेस की आइडेंटिफिकेशन कि ये एज अ लिगेंड बिहेव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसी तरह से करी जाती है कि ये सब्सटेंसेस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मौजूद हो तो इनको एज अ लिगेंड कंसिडर करा जाता है। इस टेबल में डिफरेंट लिगेंड्स को क्लासिफाई किया गया है। ये जो कॉलम हमें नजर आ रहा है, इस कॉलम में कॉमन नेम और इनके सिंबल्स मौजूद हैं, जबकि इस कॉलम में इन सब्सटेंसेस के एज अ लिगेंड नेम मौजूद है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एन आयोनिक मोनोडेंटेट लिगेंड्स को। एन आयोनिक मोनोडेंटेट लिगेंड्स का मतलब ये है कि ये वो सब्सटेंसेस हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और सिर्फ एक डोनर एटम इनमें मौजूद है। एफ माइनस इसका कॉमन नेम फ्लोराइड, एज अ लिगेंड नेम फ्लोरो। सी एल माइनस का कॉमन नेम फ्लोराइड, सी एल माइनस का लिगेंड नेम फ्लोरो। बी आर माइनस का कॉमन नेम ब्रोमाइड, बी आर माइनस का लिगेंड नेम ब्रोमो। आई माइनस का कॉमन नेम आयोडाइड, इसी तरह से आई माइनस का एज अ लिगेंड नेम आयोडो। ओ एच माइनस का कॉमन नेम हाइड्रोक्साइड, ओ एच माइनस का एज अ लिगेंड नेम हाइड्रोक्सो। एन एच टू माइनस का कॉमन नेम अमाइड, एन एच टू माइनस का एज अ लिगेंड नेम अमीडो। सी एन माइनस का कॉमन नेम साइनाइड, सी एन माइनस का एज अ लिगेंड नेम सियानो। एन ओ टू माइनस का कॉमन नेम नाइट्राइड, एन ओ टू माइनस का एज अ लिगेंड नेम नाइट्रो या फिर नाइट्रीटो। एन ओ थ्री माइनस का कॉमन नेम नाइट्रेट, एन ओ थ्री माइनस का एज अ लिगेंड नेम नाइट्रेटो। एच सी एन माइनस का कॉमन नेम थायोसाइनेट, एच सी एन माइनस का एज अ लिगेंड नेम थायोसाइनेटो। एन सी एस माइनस का कॉमन नेम आइसोथायोसाइनेट, जबकि इसका लिगेंड नेम आइसोथायोसाइनेटो। सी एच थ्री सी डब्लू माइनस इसका कॉमन नेम एसीटेट, जबकि सी एच थ्री सी डब्लू माइनस का एज अ लिगेंड नेम एसीटेटो। ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन। अब हम वो सब्सटेंसेस डिस्कस कर रहे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या नेगेटिव चार्ज उनपे माइनस टू है। ओ माइनस टू इसका कॉमन नेम ऑक्साइड, ओ माइनस टू का एज अ लिगेंड नेम ऑक्सो। एस टू ओ थ्री
माइनस टू का कॉमन नेम थायोसल्फेट, S2O3-2 का एज अ लिगेंड नेम थायोसल्फेटो, SO4-2 का कॉमन नेम सल्फेट, SO4-2 का एज अ लिगेंड नेम सल्फेटो, SO3-2 का कॉमन नेम सल्फाइट, SO3-2 का एज अ लिगेंड नेम सल्फीटो, CO3-2 का कॉमन नेम कार्बोनेट, जबकि CO3-2 का एज अ लिगेंड नेम कार्बोनेटो। न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड्स, न्यूट्रल का मतलब है कि ये वो सब्सटेंसेस हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। H2O कॉमन नेम वाटर, H2O एज अ लिगेंड नेम एको या फिर एक्वा, NH3 एज अ कॉमन नेम अमोनिया, NH3 एज अ लिगेंड नेम अमीन, CO कॉमन नेम कार्बन मोनोऑक्साइड, CO एज अ लिगेंड नेम कार्बोनाइड, NO कॉमन नेम नाइट्रिक ऑक्साइड, NO एज अ लिगेंड नेम नाइट्रोसाइड, C5H5N इसका सिंबल या इसके शॉर्ट नोटेशन है PY, कॉमन नेम पिरिडीन, एज अ लिगेंड नेम भी इसका पिरिडीन। अब हम उन सब्सटेंसेस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि एन आयोनिक पॉलीडेंटेट लिगेंड्स है। एन आयोनिक का मतलब कि इन पे नेगेटिव चार्ज है, और पॉलीडेंटेट का मतलब कि इन सब्सटेंसेस में एक से ज्यादा डोनर एटम्स मौजूद है। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स को चिलेटिंग एजेंट्स भी कहा जाता है। सबसे पहले ऑक्जेलेट, C2O4-2, जिसको शॉर्ट में OX भी लिख सकते हैं। ऑक्जेलेट का एज अ लिगेंड नेम ऑक्जेलेटो। ये जो सब्सटेंस है ऑक्जेलेट, इसमें दो डोनर एटम्स मौजूद है, जिसकी वजह से इसको बाइडेंटेट लिगेंड्स भी हम कह सकते हैं। इसी तरह से इथाइलीन डायमीन टेट्रा एसिटेट, ये इसका फॉर्मूला है और EDTA इसका शॉर्ट फॉर्म है। इथाइलीन डायमीन टेट्रा एसिटेट ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है। हेक्साडेंटेट का मतलब इस एक सब्सटेंस में सिक्स डोनर एटम्स मौजूद है। न्यूट्रल पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, न्यूट्रल पॉलीडेंटेट लिगेंड्स का मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिन पे कोई चार्ज नहीं है मगर एक से ज्यादा डोनर एटम्स मौजूद है। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स को चिलेटिंग एजेंट्स भी कहा जाता है। सबसे पहले इथाइलीन डायअमीन कंपाउंड का फॉर्मूला NH2CH2CH2NH2, इसको शॉर्ट में EN लिखा जाता है, और इस कंपाउंड में दो डोनर एटम्स मौजूद है, जिसकी वजह से इसको बाइडेंटेट लिगेंड भी कहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट कंपाउंड है डाइथाइलीन ट्राइअमीन। ये इस कंपाउंड का फॉर्मूला है, जबकि इसकी शॉर्ट नोटेशन है डाइईन। इस कंपाउंड में तीन डोनर एटम्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से डाइथाइलीन ट्राइअमीन को ट्राइडेंटेट लिगेंड भी कहा जाता है। लिस्ट ऑफ प्रीफिक्सेस फॉर लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं। फॉर सपोज कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक लिगेंड मौजूद है तो उसको हम मोनो से रिप्रेजेंट करेंगे, या बाज दफा बगैर किसी प्रीफिक्स के भी उसको लिख देते हैं। अगर दो लिगेंड्स मौजूद हो, टू के लिए जो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं डाई, मगर यही नंबर ऑफ लिगेंड्स टू हो, लिगेंड की नेचर कैसी हो, पॉलीडेंटेट हो, या फिर ऐसा कोई लिगेंड हो जिसके अपने नाम में कोई प्रीफिक्स मौजूद हो, तो हम डाई प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे, फिर हम बिस प्रीफिक्स यूज करेंगे। इसी तरह से किसी सब्सटेंस में नंबर ऑफ लिगेंड्स थ्री हो, तो थ्री के लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे ट्राई से, मगर यही नंबर ऑफ लिगेंड्स थ्री हो, नेचर ऑफ लिगेंड कैसी हो, पॉलीडेंटेट लिगेंड हो, तो ट्राई की बजाय ट्रेस यूज करा जाएगा। इसी तरह से अगर नंबर ऑफ लिगेंड्स फोर हो, तो फोर को हम रिप्रेजेंट करते हैं टेट्रा से। अगर यही नंबर ऑफ लिगेंड्स फोर हो, मगर ऐसा लिगेंड हो जो कि पॉलीडेंटेट हो, तो हम टेट्रा की बजाय टेट्राकिस यूज करेंगे। फाइव के लिए पेंटा, इस केस में पेंटाकिस, सिक्स के लिए हेक्सा और इस केस में हेक्साकिस, सेवन के लिए हेप्टा, एट के लिए ऑक्टा। नेम ऑफ मेटल्स, ये मेटल्स के सिंबल्स और मेटल्स की लिस्ट है,
कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग करते हुए ये मेटल्स के नेम हमें याद रखने पड़ेंगे। नेम ऑफ मेटल में कब कब चेंजेस आएंगी यहाँ पे लिखा गया है, मिसाल के तौर पे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस या फिर कैट आयनिक कॉम्प्लेक्सेस में मेटल को मेटल की फॉर्मेट में लिखा जाता है, जबकि नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस या फिर एन आयनिक कॉम्प्लेक्सेस में मेटल को मेटलेट की फॉर्मेट में लिखा जाता है। ये सिक्स एलिमेंट्स हैं जिनको मेटलेट की फॉर्मेट में लिखते हुए लैटिन नेम प्लस एटीई लिखा जाता है। अब हम ये सीख लेते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर किस तरह से फाइंड करा जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन दी कंपाउंड। जैसे कि ये पहली एग्जांपल हमें नजर आ रही है, कॉपर के साथ सी एन एज अ लिगेंड मौजूद है। सी एन एक मोनोडेंटेट लिगेंड है जो कि कॉपर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। टोटल नंबर ऑफ सी एन 4 है, तो 4 सी एन 4 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की एग्जांपल देख लेते हैं। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में C2O4 एज अ लिगेंड के तौर पे मौजूद है। इस लिगेंड में दो डोनर एटम मौजूद होते हैं जो कि एक वक्त में ट्रांजिशन मेटल के साथ दो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, जबकि इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ C2O4 4 है। तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनेंगे 8 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएंगे। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट कंपाउंड को चेक कर लेते हैं। कोबाल्ट के साथ मौजूद लिगेंड्स 3 NH3 और 3 NO2। NH3 भी मोनोडेंटेट लिगेंड है, NO2 भी मोनोडेंटेट लिगेंड है। कोबाल्ट के साथ 3 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इस सब्सटेंस से बने होंगे और CO के साथ 3 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इस सब्सटेंस से बने होंगे। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड 6 हो गए। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। एक और एग्जांपल चेक कर लेते हैं। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोबाल्ट के साथ जो लिगेंड मौजूद है वो बाइडेंटेट है, एक इथाइलिन डायमीन से दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकते हैं, तो 3 इथाइलिन डायमीन से 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस हो जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग करते हुए ये फॉर्मेट को फॉलो करा जाएगा। सबसे पहले नेम ऑफ लिगेंड लिखा जाएगा प्रीफिक्स के साथ, इसके बाद नेम ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट लिखा जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर के साथ। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स में मौजूद ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड कर लेते हैं। निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकालनी है, तो निकिल के सिंबल को इसी तरह से लिख देंगे। इसके बाद अगले सब्सटेंस में मूव कर रहे हैं तो प्लस लगाएंगे। CO न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल होने की वजह से इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। CO की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो 0। टोटल नंबर ऑफ CO 4 है, 0 मल्टीप्लाई बाय 4। इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है, तो इक्वल के बाद हमने 0 लिख दिया। निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ गई। अब हम इस कंपाउंड का IUPAC नेम देते हैं। सबसे पहले हमने लिगेंड का नाम लिखना है प्रीफिक्स के साथ। यहाँ पे टोटल 4 लिगेंड्स मौजूद हैं। 4 के लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है टेट्रा CO एज अ लिगेंड अगर मौजूद हो तो इसको कार्बोनाइल पढ़ते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट निकिल, और निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कितनी निकाली है 0। तो ये इस कंपाउंड का IUPAC नेम है टेट्रा कार्बोनाइल निकिल 0। नेक्स्ट कंपाउंड देख लेते हैं। इस कंपाउंड में भी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे। अब हम इस कंपाउंड का
आईयूपीएसी नेम देते हैं, टेट्रा कार्बोनाइल क्रोमियम जीरो। सबसे पहले आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे, अब हम इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम देते हैं। पाइप के लिए जो प्रीफिक्स यूज होगा पेंटा यूज होगा, तो पेंटा कार्बोनाइल आयरन जीरो। नेक्स्ट कंपाउंड है ऑस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकालनी है, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम पाइप के लिए प्रीफिक्स यूज होता है पेंटा कार्बोनाइल ऑस्मियम जीरो। नेक्स्ट कंपाउंड है टंगस्टन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम सिक्स के लिए प्रीफिक्स यूज होता है वो हेक्सा कार्बोनाइल टंगस्टन जीरो। इस कंपाउंड में मोलिब्डेनम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम किस तरह से दिया जाएगा, सिक्स के लिए प्रीफिक्स होगा हेक्सा सीओ एज अ लिगेंड कार्बोनाइल एमओ मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। इस कंपाउंड में प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं, प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए पीटी को इसी तरह से लिख दिया, NH3 की ऑक्सीडेशन स्टेट न्यूट्रल लिगेंड है तो ऑक्सीडेशन स्टेट की जीरो। टोटल नंबर ऑफ NH3 टू जीरो मल्टीप्लाई बाय टू। Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट -1, टोटल नंबर ऑफ Cl 4, -1 मल्टीप्लाई बाय 4। और इस पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल के बाद हमने जीरो लगा दिया। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो जीरो मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये जीरो हो गया, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 तो -4, इक्वेशन के उस तरफ जाके +4। तो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड में 4 आ जाएगी। अब हम इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड्स के नेम लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ NH3 2 है तो 2 के लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है डाय अमीन। अब इस सब्सटेंस में टोटल नंबर ऑफ Cl 4 है तो 4 के लिए प्रीफिक्स यूज होगा टेट्रा। Cl एज अ लिगेंड हो तो इसको हम पढ़ते हैं क्लोरो, और प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट 4, रोमन में 4 लिखा जाएगा ब्रैकेट में। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम डायअमीन टेट्राक्लोरो प्लेटिनम 4। इस कंपाउंड में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं। इस कॉम्प्लेक्स की नेमिंग शुरू करते हैं। इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ NH3 3 है तो 3 के लिए प्रीफिक्स यूज होता है ट्राई, और NH3 अमीन। Cl के साथ भी 3 लिखा है
थ्री के लिए ट्राई, सीएल एज अ लिगेंड अगर होगा तो क्लोरो, सीओ कोबाल्ट, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट थ्री। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम ट्राइअमीन ट्राइक्लोरो कोबाल्ट थ्री। इस कंपाउंड में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम, टोटल नंबर ऑफ एनएच थ्री यहाँ पे थ्री है, थ्री के लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है ट्राई, एनएच थ्री का एज अ लिगेंड नेम अमीन। टोटल नंबर ऑफ एनओ टू यहाँ पे थ्री है ट्राई, एनओ टू का एज अ लिगेंड नेम नाइट्रो कोबाल्ट। और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट थ्री। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम ट्राई अमीन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट थ्री। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर फॉर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस। पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग करते हुए जो फॉर्मेट फॉलो होगा, सबसे पहले नेम ऑफ लिगेंड विद प्रीफिक्स लिखा जाएगा, उसके बाद नेम ऑफ मेटल विद ऑक्सीडेशन नंबर, और सबसे आखिर में नेम ऑफ नेगेटिव रेडिकल लिखा जाएगा। इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग करी जाएगी। इस कॉम्प्लेक्स की आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने से पहले कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, तो कोबाल्ट के सिंबल सीओ को इसी तरह से लिख दिया। नेक्स्ट सब्सटेंस पे जाने से पहले प्लस का साइन यूज करा जाएगा। ईएन की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, ब्रैकेट में जीरो, टोटल नंबर ऑफ ईएन थ्री, तो मल्टीप्लाई बाय थ्री। नेक्स्ट सब्सटेंस में मूव करने से पहले प्लस का साइन यूज करा जाएगा। एनओ थ्री की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन, टोटल नंबर ऑफ एनओ थ्री यहाँ पे तीन है, तो मल्टीप्लाई बाय थ्री। इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है, तो इक्वल के बाद जीरो। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री आ गई। अब हम इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम देते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट के मुताबिक लिगेंड का नाम लिखना है प्रीफिक्स के साथ। टोटल नंबर ऑफ ई एन यहाँ पे थ्री है, थ्री के लिए जो प्रीफिक्स यूज होगा वो ट्रिस यूज होगा। ई एन जो लिगेंड है, इथाइलीन डायमीन को ब्रैकेट में लिखा जाएगा, कोबाल्ट, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट थ्री, और उसके बाद नाइट्रेट मौजूद है एज अ नेगेटिव रेडिकल। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम ट्रिस इथाइलीन डायअमीन कोबाल्ट थ्री नाइट्रेट। के ईएन में जो अमीन लफ्ज आ रहा है उसके अंदर एक एम यूज होगा, दो एम यूज नहीं होंगे। ये एक और कंपाउंड है जिसका हमने आईयूपीएसी नेम देना है। इस कंपाउंड में मौजूद ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी पड़ेगी। सबसे पहले नेम ऑफ लिगेंड विद प्रीफिक्स लिखा जाएगा। एनएच थ्री यहाँ पे मौजूद है एज अ लिगेंड, और उसके साथ टोटल नंबर ऑफ एनएच थ्री सिक्स है, तो सिक्स के लिए प्रीफिक्स यूज होता है हेक्सा, एनएच थ्री अमीन। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में और रोमन में लिखेंगे, और उसके बाद सबसे आखिर में नेगेटिव रेडिकल क्लोराइड। इस कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नेम हेक्सा अमीन क्रोमियम थ्री क्लोराइड। एनएच थ्री जो एज अ लिगेंड है, इसके अंदर डबल एम यूज होगा। इस कंपाउंड में मौजूद ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। ए
SO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, -2 और टोटल नंबर ऑफ SO4 यहाँ पे 1 है, तो मल्टीप्लाई बाय 1। इस पूरे सब्सटेंस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इक्वल के बाद हमने 0 लिख दिया। अब हम इस कंपाउंड का IUPAC नेम देते हैं। टोटल नंबर ऑफ EN यहाँ पे 3 है, तो 3 के लिए यहाँ पे ट्रेस यूज करा जाएगा। EN लिगेंड को इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और अब हमने लिखना है ट्रांजिशन एलिमेंट कोबाल्ट। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 2, और सबसे आखिर में नेगेटिव रेडिकल को लिखेंगे। सल्फेट एज अ नेगेटिव रेडिकल मौजूद है, ट्रिस इथाइलीन डायमीन कोबाल्ट 2 सल्फेट। इस कंपाउंड का IUPAC नेम देना है। सबसे पहले कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं। अब हम इस कंपाउंड का IUPAC नेम दे देते हैं। यहाँ पे प्रीफिक्स है हेक्सा, NH3 एज अ लिगेंड अमीन, CO कोबाल्ट। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट को ब्रैकेट में और रोमन में लिखा जाएगा, और सबसे लास्ट में हमारे पास नेगेटिव रेडिकल है ब्रोमाइड। इस कंपाउंड का IUPAC नेम हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड। इस कंपाउंड में ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। अब हम इस कंपाउंड का IUPAC नेम दे देते हैं, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट। कोबाल्ट के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट 2 लिखी, उसके बाद नेगेटिव रेडिकल सल्फेट। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड करनी है। अब हम इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नेम देते हैं, डाई NH3 एज अ लिगेंड अमीन। ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम सिल्वर। इसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट, लास्ट में नेगेटिव रेडिकल हाइड्रोक्साइड। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नेम डायअमीन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड। इस कंपाउंड में मौजूद ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं। CO3 की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, टोटल नंबर ऑफ CO3 1, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हम इस कंपाउंड का IUPAC नेम देते हैं। जो प्रीफिक्स है इसके लिए बेस यूज होगा, और इस लिगेंड के नेम को ब्रैकेट में लिखा जाएगा, इथाइलीन डायअमीन। इसके बाद नेम ऑफ मेटल प्लेटिनम, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे लास्ट में नेगेटिव रेडिकल कार्बोनेट। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नेम बेस इथाइलीन डायअमीन प्लेटिनम 2 कार्बोनेट। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड करनी है। इस कंपाउंड का IUPAC नेम दे देते हैं। यहाँ पे 3 के लिए प्रीफिक्स यूज होगा ट्रेस, और ये जो कंपाउंड है ये इथाइलीन डायअमीन।
ट्रांजिशन एलिमेंट लिखा जाएगा कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, और सबसे लास्ट में नेगेटिव रेडिकल क्लोराइड। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम ट्रिस इथाइलीन डायअमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। सबसे पहले इस कंपाउंड में मौजूद ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। अब हम इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम दे देते हैं टेट्राअमीन जिंक 2 सल्फेट। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड करनी है। अब हम इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम देते हैं इथाइलीन डायअमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड करनी है। अब हम इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम देते हैं डायक्लोरो बिस इथाइलीन डायअमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मौजूद ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। अब हम इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम देते हैं टोटल नंबर ऑफ NH3 4। 4 के लिए प्रीफिक्स यूज होगा टेट्रा अमीन। टोटल नंबर ऑफ Cl2 डायक्लोरो, के बाद क्रोमियम, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे आखिर में नेगेटिव रेडिकल क्लोराइड। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मौजूद ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। अब हम इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम देते हैं पेंटाअमीन मोनोक्लोरो कॉपर 2 नाइट्रेट। इस कंपाउंड में मौजूद ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। अब हम इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम देते हैं 4 के लिए प्रीफिक्स यूज होगा टेट्रा NH3 एज अ लिगेंड अमीन। Cl के साथ 2 मौजूद है, 2 के लिए प्रीफिक्स डाय Cl एज अ लिगेंड क्लोरो कोबाल्ट। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट और आखिर में नेगेटिव रेडिकल क्लोराइड। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर फॉर कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्सेस। कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग का फॉर्मेट नेम ऑफ लिगेंड विद प्रीफिक्स, उसके बाद नेम ऑफ मेटल विद ऑक्सीडेशन नंबर, और सबसे आखिर में आयन लिखा जाएगा। सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स आयन में मौजूद ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज हमें नजर आ रहा है +2, तो इक्वल के बाद हमने +2 लिख दिया। अब हम इस कॉम्प्लेक्स आयन का आईयूपीएसी नेम देते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ लिगेंड विद प्रीफिक्स,
फोर के लिए प्रीफिक्स यूज होगा टेट्रा, NH3 एज अ लिगेंड, अमीन, Cu कॉपर, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 2, और लास्ट में इस चार्ज की वजह से हमने लिखना है आयन। तो इस कॉम्प्लेक्स आयन का IUPAC नेम टेट्रा अमीन कॉपर 2 आयन। इस कॉम्प्लेक्स आयन में मौजूद क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड करनी है। अब हम इस कॉम्प्लेक्स आयन का IUPAC नेम देते हैं। नंबर ऑफ NH3 6 है, 6 के लिए प्रीफिक्स यूज होगा हेक्सा, NH3 एज अ लिगेंड अमीन, CR क्रोमियम, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 3। चार्ज हमें नजर आ रहा है जिसकी वजह से हमने आयन का वर्ड यूज करना है। तो इस कॉम्प्लेक्स आयन का IUPAC नेम हेक्सा अमीन क्रोमियम 3 आयन। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स आयन देख लेते हैं। इस कॉम्प्लेक्स आयन में मौजूद ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकालनी है। अब हम इस कॉम्प्लेक्स आयन का IUPAC नेम देते हैं। इस 2 के लिए प्रीफिक्स यूज होगा बिस, EN इथाइलीन डायअमीन, इसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा, CO कोबाल्ट, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 2। चार्ज हमें नजर आ रहा है जिसकी वजह से आयन। तो इस कॉम्प्लेक्स आयन का IUPAC नेम बिस इथाइलीन डायअमीन कोबाल्ट 2 आयन। इस कॉम्प्लेक्स आयन में मौजूद ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। तो इस कॉम्प्लेक्स आयन का IUPAC नेम हेक्सा एको आयरन 3 आयन। IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस। नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग करने का फॉर्मेट, सबसे पहले नेम ऑफ पॉजिटिव रेडिकल, उसके बाद नेम ऑफ लिगेंड विद प्रीफिक्स, और उसके बाद नेम ऑफ मेटल विद ऑक्सीडेशन नंबर। नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस में मेटल को लिखने का फॉर्मेट मेटलेट। सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मौजूद ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं। अब हम इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नेम देते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ पॉजिटिव रेडिकल सोडियम, उसके बाद नेम ऑफ लिगेंड विद प्रीफिक्स टेट्रा, CL एज अ लिगेंड क्लोरो, उसके बाद मेटल को मेटलेट की फॉर्म में लिखा जाएगा, तो निकिल के बदले निकिलेट लिखा जाएगा। और सबसे लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम सोडियम टेट्रा क्लोरो निकिलेट 2। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मौजूद ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। अब हम इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नेम देते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव रेडिकल लिखा जाएगा पोटेशियम, उसके बाद नेम ऑफ लिगेंड विद प्रीफिक्स, टोटल नंबर ऑफ CN 6, 6 के लिए जो प्रीफिक्स यूज होगा हेक्सा, CN एज अ लिगेंड सियानो, Fe को मेटलेट की फॉर्म में लिखा जाएगा, तो आयरन के बजाय फेरेट लिखा जाएगा।
फेरेट के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट टू। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम पोटेशियम हेक्सासियानो फेरेट टू। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। अब हम इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम देते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ पॉजिटिव रेडिकल को लिखना है, पोटेशियम, उसके बाद फोर के लिए प्रीफिक्स टेट्रा, सी एन एज अ लिगेंड सियानो, उसके बाद मेटल, मेटल को मेटलेट के फॉर्मेट पे लिखा जाएगा क्यूप्रेट, सबसे लास्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम पोटेशियम टेट्रासियानो क्यूप्रेट टू। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम, सबसे पहले नेम ऑफ पॉजिटिव रेडिकल पोटेशियम, उसके बाद नेम ऑफ लिगेंड विद प्रीफिक्स हेक्सासियानो वेनेडेट थ्री। इस कंपाउंड में मौजूद ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन फोर मल्टीप्लाई बाय फोर। अब हम इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम देते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ पॉजिटिव रेडिकल सोडियम, उसके बाद प्रीफिक्स के साथ लिगेंड, फोर के लिए प्रीफिक्स यूज होगा टेट्रा, ऑक्सीजन एज अ लिगेंड ऑक्सो, टंगस्टन को मेटलेट की फॉर्मेट में लिखा जाएगा टंगस्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट सिक्स। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम सोडियम टेट्रा ऑक्सो टंगस्टेट सिक्स। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मौजूद ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं। अमोनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन, टोटल नंबर ऑफ अमोनियम टू, वन मल्टीप्लाई बाय टू। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम अमोनियम नंबर ऑफ ऑक्सीजन फोर, फोर के लिए प्रीफिक्स टेट्रा, ऑक्सीजन एज अ लिगेंड ऑक्सो, मोलिब्डेनम को मेटलेट के फॉर्मेट में लिखा जाएगा मोलिब्डेट, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट सिक्स। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मौजूद ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं। अब हम इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम देते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव रेडिकल को लिखा जाएगा अमोनियम, उसके बाद प्रीफिक्स के साथ लिगेंड को लिखा जाएगा सी एन, यहाँ पे सिक्स है, सिक्स के लिए प्रीफिक्स यूज होगा हेक्सा, सी एन एज अ लिगेंड सियानो, एफ ई को मेटलेट की फॉर्मेट में लिखा जाएगा फेरेट, सबसे लास्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट थ्री। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम अमोनियम हेक्सासियानो फेरेट थ्री। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मौजूद ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले
इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग करते हुए नेम ऑफ पॉजिटिव रेडिकल लिखा जाएगा सोडियम। उसके बाद प्रीफिक्स के साथ लिगेंड लिखा जाएगा, सिक्स यहाँ पे मौजूद है, सिक्स के लिए प्रीफिक्स यूज होगा हेक्सा। NO2 एज अ लिगेंड नाइट्रो, CO मेटेलेट के फॉर्मेट में कोबाल्टेट। और सबसे लास्ट में ऑक्सीडेशन स्टेज 3। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यूपीएसी नेम सोडियम हेक्सानाइट्रो कोबाल्टेट 3। सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मौजूद ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं। H2O3 की ऑक्सीडेशन स्टेट -2। टोटल नंबर ऑफ H2O3 2 है, तो मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम देते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ पॉजिटिव रेडिकल सोडियम, उसके बाद H2O3 के साथ 2 मौजूद है, तो इस 2 के लिए प्रीफिक्स बेस यूज होगा, बेस H2O3 एज अ लिगेंड थायोसल्फेटो, इसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा। इसके बाद एजी को मेटेलेट की फॉर्मेट में लिखेंगे अर्जेंटेट। और सबसे लास्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट 1। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम सोडियम बेस थायोसल्फेटो अर्जेंटेट 1। इस कॉम्प्लेक्स में मौजूद एएल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम, सबसे पहले नेम ऑफ पॉजिटिव रेडिकल सोडियम, उसके बाद हेक्सा फ्लोरो, उसके बाद नेम ऑफ मेटल जो कि मेटलेट के फॉर्मेट में लिखा जाएगा एल्यूमिनेट। और सबसे लास्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट 3। सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मौजूद CO की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम पोटेशियम हेक्साफ्लोरो कोबाल्टेट 3। सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मौजूद एचजी की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं। अब हम इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम देते हैं। पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट 2। सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मौजूद Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं। अब हम इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम देते हैं। पोटेशियम टेट्राऑक्सो मैग्नेट 7। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मौजूद ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम
पोटेशियम टेट्रा नाइट्रेटो प्लेटिनेट टू। सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मौजूद एफटीए की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम पोटेशियम एक्वा पेंटाक्लोरो पेरेट टू। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मौजूद सीआर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम अमोनियम डायअमीन टेट्रा थायोसाइनेटो क्रोमेट थ्री। सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मौजूद एफई की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम सोडियम पेंटासियानो नाइट्रोसाइल फेरेट टू। सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मौजूद कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम सोडियम डाइहाइड्रोक्सो डाइनाइट्रेटो क्यूप्रेट वन। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मौजूद ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम पोटेशियम एको पेंटाक्लोरो क्रोमेट टू। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर फॉर एन आयोनिक कॉम्प्लेक्सेस। एन आयोनिक कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग का फॉर्मेट है नेम ऑफ लिगेंड विद प्रीफिक्स, उसके बाद नेम ऑफ मेटलेट विद ऑक्सीडेशन नंबर और लास्ट में आयन। सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स आयन में मौजूद ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं। एयू की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, AU को इसी तरह से लिख दिया। नेक्स्ट सब्सटेंस पे जाने से पहले प्लस, Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन, टोटल नंबर ऑफ Cl 4। इस कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर चार्ज हमें नजर आ रहा है माइनस वन, इक्वल के बाद माइनस वन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो AU की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3। अब हम इस कॉम्प्लेक्स आयन का आईयूपीएसी नेम देते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ लिगेंड विद प्रीफिक्स, फोर यहाँ पे मौजूद है, फोर के लिए प्रीफिक्स टेट्रा, सीएल एज अ लिगेंड क्लोरो, एयू मेटलेट की फॉर्मेट में और एट, और उसके साथ ऑक्सीडेशन नंबर 3 और सबसे लास्ट में आयन। इस कॉम्प्लेक्स आयन का आईयूपीएसी नेम टेट्राक्लोरो ऑरेट 3 आयन। इस कॉम्प्लेक्स आयन में मौजूद एफई की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं।
अब हम इस कॉम्प्लेक्स आइन का आईयूपीएसी नेम देते हैं हेक्सा नाइट्रो फेरेट थ्री आइन। इस कॉम्प्लेक्स आइन में मौजूद ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं। अब हम इस कॉम्प्लेक्स आइन का आईयूपीएसी नेम देते हैं सिक्स के लिए जो प्रीफिक्स यूज होगा हेक्सा सी एल एज अ लिगेंड क्लोरो प्लेटिनम को मेटेलेट के फॉर्मेट में लिखा जाएगा प्लेटिनेट के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट फोर और सबसे आखिर में आइन। तो इस कॉम्प्लेक्स आइन का आईयूपीएसी नेम हेक्साक्लोरो प्लेटिनेट फोर आइन। सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स आइन में मौजूद ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं। अब हम इस कॉम्प्लेक्स आइन का आईयूपीएसी नेम लिखते हैं फोर के लिए प्रीफिक्स टेट्रा ओ एच एज अ लिगेंड हाइड्रोक्सो जिंक को मेटेलेट के फॉर्मेट में लिखा जाएगा जिंकेट। जिंकेट के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट टू और सबसे लास्ट में आइन। तो इस कॉम्प्लेक्स आइन का आईयूपीएसी नेम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट टू आइन। सबसे पहले एफई की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं। अब हम इस कॉम्प्लेक्स आइन का आईयूपीएसी नेम देते हैं सिक्स के लिए प्रीफिक्स होगा हेक्सा सी एन एज अ लिगेंड सियानो एफई मेटेलेट के फॉर्मेट में फेरेट और इसके साथ ऑक्सीडेशन नंबर टू और लास्ट में आइन। इस कॉम्प्लेक्स आइन का आईयूपीएसी नेम हेक्सासियानो फेरेट टू आइन। सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स आइन में मौजूद सी यू की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं। अब हम इस कॉम्प्लेक्स आइन का आईयूपीएसी नेम देते हैं फोर के लिए प्रीफिक्स टेट्रा सी एन एज अ लिगेंड सियानो सी यू मेटेलेट के फॉर्मेट में क्यूप्रेट और इसके साथ ऑक्सीडेशन नंबर और सबसे लास्ट में आइन। तो इस कॉम्प्लेक्स आइन का आईयूपीएसी नेम टेट्रासियानो क्यूप्रेट टू आइन।